नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। कभी दहाड़ तो कभी सुखाड़ गिरते हैं इनके फसलों पर ओले, कभी नहीं ले पाते चैन इनके चोले। आज किसान देश का अन्नदाता है और किसान को ही खाद लेने के लिए अरवल जिला के महुआ बाग एसपी कोठी के बगल में आज कई दिनों से परेशान हो रहा है। कोई किसान दो दिन से लाइन में खड़ा होकर के लौट जा रहा है, कोई 2 बजे रात से लाइन में खड़ा है, कोई 3 बजे रात से लाइन में खड़ा है। इस तरह से यूरिया और डीएपी के लिए मशक्कत करने पड़ रहा है किसान को। ऊपर से प्रकृति का कहर है कि बारिश नहीं हो रही है, और यहाँ जो व्यवस्था है, व्यवस्था का कहर है कि किसान भूखे प्यासे दिन दिन भर लाइन में खड़ा रह रहा है, लेकिन यहाँ का किसी को कोई परा नहीं हो। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन हो, कोई इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इन किसानों के लिए कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, ये परिस्थिति बना हुआ है। और मैं आपको ये जो दूसरे विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से काउंटर से लेकर के आपको रोड तक है किसान खड़ा है। महिला भी यहाँ पर खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और ये कात दिन से नहीं भीड़ है, ये तकरीबन पिछले लगातार भीड़ कई दिनों से चला रहा है, कई दिनों तक ये चलता रहेगा। और ये व्यवस्था लचर व्यवस्था पिछले 3 सालों से है। और आपके बजाय है सुबह 6 बजे, आप कितने बजे आए हैं? 4 बजे सुबह। 4 बजे आप कितने बजे आए हैं? हेलो भाई, आप कितने बजे आए हैं? 4 बजे। 4 बजे आए हैं। परेशान है खाद के लिए महुआ बाग में, जहाँ पर इफको का गोदाम है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी जिला प्रशासन इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। और संज्ञान ले भी रहा है तो काउंटर सुनवाने के लिए तैयार नहीं है, अगला विकल्प देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का व्यवस्था ये जिला प्रशासन करके रखा है, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से परेशानी जनता सामना कर रहा है। और मैं आपको कुछ जनता से बात करवाता हूँ, और यहाँ जो किसान है उनसे, किसानों से बात करवाता हूँ। और मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। बाल भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, कल आए थे? ये देखिए किसान है, बताइए। एक तो धान रोपनी में इतनी समस्या है, और यहाँ पर कल भी आए थे, कल भी आन करके लौट गए हैं। बताइए किसान को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर अगर डबल काउंटर होता तो इस तरह की परेशानी यहाँ पर झेलने नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है जो बिल्कुल लचर पचर है। कितने दिन से खड़ा है, कितने घंटों से खड़ा है, क्या इन्हें आज खाद मिलेगा या ना मिलेगा, इस विषय पर भी इनसे हम चर्चा करते हैं। आप अब इनसे हम बात करते हैं। कल से भी हैं यहाँ पे? कल 9 बजे से लगे लगे हम 5 बजे शाम को गए, आज भी 4 बजे से आए हुए। आज भी 4 बजे आए हुए हैं? कल के बजाय थे? कल 9:15 बजे से लगे हुए थे। अच्छा, कल आपको खाद नहीं मिला? कल नहीं मिला, बंद हो गया काउंटर 4:15 बजे। 4:15 बजे काउंटर बंद हो गया? हाँ। आज उम्मीद है कि आपको, आज लगता है कि आपको मिलेगा आज? हम तो आज अपना परिवार को तकलीफ देते हैं, अपना परिवार को लेकर। ये देखिए किसान का जो दर्द है, कल से ही आए हुए हैं और अभी तक। और कल से कौन कौन आए जी? कल वाला कल सब हैं। अच्छा, कल कितने बजे आए थे आप? 9 बजे। कल 9 बजे आए थे? 4:15 बजे खिड़की पकड़े हुए थे, नहीं मिला। खिड़की पकड़े हुए थे, नहीं मिला आपको? ये बताइए इस तरह से यहाँ पर खाद आपूर्ति के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। दो दो दिन, तीन तीन दिन लाइन में लगता है। यहाँ तक कि नियम रहेगा तो किसान का कितना मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा है खाद लेने, जो बांटने का जो नियम है, नियम थोड़ा दूसरा नियम रहता बांटने के लिए तो किसान को पूरा राहत मिलता है। दूसरा नियम क्या होना चाहिए था? दुकान मिलना चाहिए। दो आदमी रहता वहाँ बांटने के लिए, दो या तीन रहते, दो या तीन काउंटर होता तो इस तरह का समस्या का सामना नहीं किया जाता, समस्या का नहीं हो सकता था किसान को। ऐसे बहुत प्रॉब्लम होगा किसान को भी खाद लेने में। सुबह से आए हुए हैं 5 बजे से, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है काफ़ी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है खाद लेने में। और थोड़ा सा बांधने का जो सिस्टम है और थोड़ा सा चेंज होना चाहिए।
जिनके हाथ में छाले हैं उन्हीं के दम पर आज आबाद महल वाले हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि जिनके हाथ में छाले हैं उन्हीं के दम पर आबाद आज सत्ता वाले हैं, जिला प्रशासन है, लेकिन कोई किसान के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन देकर के शांत हो जाता है, ऐसी परिस्थिति बना हुआ है। और आप आराम से देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर परिस्थिति बना हुआ है।